myself Gauti Falguni. In your last video, we had discussed your 18 lesson preposition, right? Now, today we are going to start your 19 lesson conjunctions. Now, what is conjunction? So, you have given a definition here. Conjunction are a joining word. They are used to join word and sentence. Okay? So, conjunction kya hai? Joining word hai. Wo kiske liye use hote hai? To वर्ड को ज्वाइन करने के लिए और सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए हम कंजक्शन का यूज़ करते हैं. ओके, कौन कौन से कंजक्शन है? तो एंड है, बट है, और है, बिकॉज है, ये सारे कंजक्शन है जो आप फर्स्ट स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो, राइट? सो कंजक्शन से आप अवेयर हो. ओके, नाउ लेट्स सी. डिफरेंट टाइप ऑफ कंजक्शन, सम अदर मोर कंजक्शन. You have studied this all conjunction and, but, or, because in your last standard, right? Now you have given a more conjunction here, like if, because, as, since, on, if and unless. Okay, so let's see. So first one is my uncle and aunt went to market. Okay, तो एंड का यूज़ करते हैं इसमें दोनों दो सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए, सॉरी सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए, दो वर्ड को ज्वाइन करने के लिए. माय अंकल एंड आंट को ज्वाइन करने के लिए हमने कंजक्शन लगाया एंड, राइट? एंड मीन्स और. ओके, फिर है आई हैव टू बॉक्सेस बट ओनली वन पेन. बट यानी कि किंतु, है ना, किंतु बोलते हो ना आप, उसका मतलब क्या होता है? बट, कि मेरे पास दो बॉक्सेस है पर एक ही पेन है. ओके, फिर है डू यू लाइक टू रीड और ड्रॉ. ओके, तो जब भी चॉइस आती है तो आप दो चीज़ों में चॉइस आती है तो आप और लगाते हो, जैसे कि डू यू लाइक कॉफ़ी और ट्री. ओके, तो आपको पढ़ना पसंद है या ड्राइंग पसंद है? ओके, वो बोला है तो ड्राइंग ही पसंद होगी शायद, सब शायद ही किसी को पढ़ना पसंद आएगा. ओके, ड्राइंग की कंपैरिजन में. फिर है आई विल नॉट गो आउट टुडे बिकॉज आई एम टायर्ड. बिकॉज मीन्स क्योंकि, तो मतलब कि मैं आज बाहर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं क्या हूँ, टायर्ड हूँ. ओके, फिर है द वर्ड इन अ बोल्ड आर कंजक्शन विच वी हैव लर्न अर्लियर. ओके, तो ये हमने पहले पढ़ चुके हैं ये कंजक्शन. ओके, थर्ड स्टैंडर्ड में, सेकेंड स्टैंडर्ड में, फर्स्ट स्टैंडर्ड में. ओके, नाउ लेट्स लुक एट सम मोर कंजक्शन. ओके, तो दूसरे जो आप नहीं पढ़ चुके वो कंजक्शन देखते हैं. तो सम कंजक्शन आर यूज टू एक्सप्रेस टाइम. ओके, तो टाइम एक्सप्रेस करने के लिए कुछ कंजक्शन यूज होते हैं. तो वो कौन कौन से है? तो एक तो है आफ्टर, आफ्टर, बिफोर, व्हेन, व्हाइल, सिंस, एक्सेट्रा. ओके, ये सारे टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए कंजक्शन यूज होते हैं. ओके, फिर है इफ एंड अनलेस, यानी कि अगर. ओके, तो आर यूज टू जॉइन सेंटेंस वेयर अ कंडीशन इज इन्वॉल्व. ओके, तो कभी कंडीशन आती है ना, कोई कंडीशन की बात आती है तो हम इफ या अनलेस का यूज करते हैं. जैसे कि यू विल पास इफ यू यू वर्क हार्ड. तो तुम पास होगे जो, अगर, मीन्स अगर तुम हार्ड वर्क करोगे. ओके, तो ये कंडीशन हुई ना कि हार्ड वर्क करोगे तो पास होगे. ओके, तो इफ आएगा. फिर है यू विल नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड. ओके, तो अगर तुम वर्क हार्ड नहीं करोगे तो तुम पास नहीं होगे. ओके, तो जब भी नेगेटिव सेंटेंस है तो अनलेस, पॉजिटिव सेंटेंस है तो इफ. ओके, दोनों का मतलब अगर ही होता है, पर नेगेटिव सेंटेंस में इफ, सॉरी अनलेस, और पॉजिटिव सेंटेंस में इफ. नेक्स्ट है बिकॉज, एज एंड सिंस आर कंजक्शंस दैट शोज रीजन. ओके, तो रीजन के लिए हम कौन कौन से, हमने लास्ट आपके जो थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि रीजन को एक्सप्रेस करने के लिए हम बिकॉज कंजक्शन का यूज़ करते हैं. ओके, तो उसके अलावा एज और सिंस का भी यूज़ करते हैं. तो हम देखते हैं कैसे यूज़ करते हैं. इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं. आई कैन नॉट कम टू योर हाउस एज आई एम नॉट फीलिंग वेल. तो जैसे कि मैं तुम्हारे घर नहीं आ रहा हूँ क्योंकि मैं क्या हूँ, बीमार हूँ, मतलब कि फीलिंग नॉट वेल, मुझे अच्छा नहीं है, मैं बीमार हूँ. ओके, तो एज का यूज़ हुआ,
एज अ कंजक्शन, यहाँ पे बिकॉज भी रख सकते हो कि, और यू गिव अस अ ट्रीट सिंस यू कैम फर्स्ट इन द क्लास, तो यहाँ भी सिंस आया बिकॉज भी, क्योंकि तुम हमें ट्रीट दे रहे हो क्योंकि तुम क्लास में फर्स्ट आए हो, ओके, तो सिंस का यूज होता है, ओके. नेक्स्ट है, वी यूज द कंजक्शन दो और ऑल्दो टू एक्सप्रेस एन आइडिया विच इज डिफरेंट फ्रॉम वॉट इज एक्सपेक्टेड इन द सिचुएशन, ओके. तो जब भी कोई हमने जो सिचुएशन एक्सेप्ट की हो उससे डिफरेंट सिचुएशन हो तो हम उसे एक्सप्रेस करने के लिए जो यूज़ करते हैं वर्ड वो है दो और ऑल्दो. तो वो कौन उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि आई एन्जॉयड वॉचिंग द मूवी ऑल्दो आई हैड सीन इट बिफोर, ओके. तो इसका मतलब होता है उसके बावजूद, तो कि मैंने ये मूवी पहले देखी हुई थी, फिर भी उसके बावजूद भी मैं उसे मैंने उस मूवी को एन्जॉय किया, ओके. तो ये सेंस निकल के आता है ये ऑल्दो और इवन दो का, सॉरी दो और ऑल्दो का, क्यों उसके बावजूद, ओके, ये सेंस निकल के आता है. नाउ आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है, ए नंबर एक्सरसाइज, ज्वाइन ईच पेयर ऑफ सेंटेंस विच द कंजक्शन गिवन इन अ ब्रैकेट एंड रीराइट इट, ओके. तो क्या करना है, सेंटेंस को ज्वाइन करना है कंजक्शन से जो ब्रैकेट में दिया हुआ है उससे, और आपको पूरा सेंटेंस रीराइट करना है. सो फर्स्ट है, रीमा वॉज ओनली फोर, ये एक सेंटेंस है. दूसरा सेंटेंस है, शी स्टार्टेड सिंगिंग ऑन द स्टेज, ओके. तो दो सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए आपको ये कंजक्शन दिया हुआ है वैन, ओके. वैन का मतलब होता है जब, ओके, एज अ कंजक्शन. अगर आप डब्ल्यू एच फैमिली में देख रहे हो तो वैन का मतलब होता है कब, और अगर कंजक्शन यूज कर रहे हो तो जब, यानी कि रीमा वॉज ओनली फोर वैन, यहाँ पे आप कंजक्शन डालोगे, ओके, व्हेन शी स्टार्टेड सिंगिंग ऑन द स्टेज, ओके. तो सीमा 4 साल की थी जब उसने स्टार्ट किया, स्टेज पे गाना स्टार्ट किया तब, ओके. फिर है, यू कैन हैव एप्पल, यू कैन हैव मैंगो, तो ओके. तो जब भी चॉइस की बात आती है तो और आता है कंजक्शन, तो इसमें यू कैन हैव एप्पल और मैंगो, ओके. दो बार यू कैन हैव नहीं लिखोगे, मतलब कि तुम एप्पल ले सकते हो या फिर मैंगो ले सकते हो, ओके, दोनों में से कोई भी कुछ भी ले सकते हो, ओके, चॉइस तुम्हारी है, ऐसे ही. नेक्स्ट है थर्ड नंबर, यू विल लूज द गेम यू डोंट प्ले वेल, तो इफ कंजक्शन है, तो यू विल लूज द गेम इफ यू डोंट प्ले वेल, ओके. नेक्स्ट है, मीना वॉज द एट द लाइब्रेरी, हरी वॉज एट अ म्यूजियम, तो इसमें एंड कंजक्शन का यूज हुआ है, तो ओके, तो मीना वॉज एट द लाइब्रेरी एंड हरी एट द म्यूजियम. नेक्स्ट है, द बॉलर कॉट द बॉल, द बॉलर कॉट द बॉल ही ड्रॉप्ड इट, बट है, तो द बॉलर कॉट द बॉल बट ही ड्रॉप्ड इट, ओके. तो कुछ करना नहीं है, ओनली कंजक्शन जो आपको दिया है वो दो सेंटेंस के बीच में लगा देना है उनको ज्वाइन करने के लिए, और जो आपका दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होगा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं आएगा, स्मॉल आएगा. अगर वो प्रॉपर नाउन है तो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा. जैसे कि इसमें आई ऑलवेज कैपिटल होता है, जहाँ भी लिखो तो आई कैपिटल आएगा, अदरवाइज तो नहीं आएगा. जैसे कि इसमें शी का एस कैपिटल नहीं है, ओके. फिर है, आई कैन लेट टू ऑफिस बिकॉज आई मिस माई बस, वी हैव नॉट सीन हर शी वॉज मैरिड, सो सिंस आएगा, सो वी हैव नॉट सीन हर सिंस शी वॉज मैरिड. नेक्स्ट है, यू विल नॉट गेट बेटर यू टेक योर मेडिसिन, सो यू विल नॉट गेट बेटर सिंस, सॉरी अनलेस यू टेक योर मेडिसिन, जब तक तुम अपनी मेडिसिन नहीं लोगे तुम अच्छी नहीं होगे, मतलब कि, ओके. नेक्स्ट है, वेट हियर आई गेट द टिकट, तो वेट हियर वाइल आई गेट द टिकट. नेक्स्ट है, द गेस्ट स्पोक एवरी वन स्टॉप्ड क्लैपिंग, तो द गेस्ट स्पोक व्हेन एवरी वन स्टॉप क्लैपिंग. नेक्स्ट है, यू कैन रन फास्ट यू हैव प्रैक्टिस्ड इनफ, तो यू कैन रन फास्ट एज यू हैव प्रैक्टिस्ड इनफ. नेक्स्ट है, आई कुड नॉट स्लीप आई रीड अ बुक, सो आई कुड नॉट स्लीप सो आई रीड अ बुक, ओके. सो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाएगा.
ओके नेक्स्ट बी नंबर एक्सरसाइज देखते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स विथ अ सूटेबल कंजक्शन गिवन इन द बुक बॉक्स बिलो. यू मे यूज द सम कंजक्शन मोर देन वंस. ओके तो और ऑल्दो वाइल देयरफॉर आफ्टर एज सो बट इफ बिकॉज सिंस बिफोर अनलेस एंड व्हेन. ओके तो इसका यूज करके आपको ये ब्लैंक में फिल करना है. सो फर्स्ट वन है सोनल मे नॉट बी क्लेवर डैश शी इज हार्ड वर्किंग. तो सोनल क्लेवर नहीं है पर वो हार्ड वर्किंग है तो बट आएगा. ओके नेक्स्ट है डैश यू विन द रेस यू विल नॉट गेट मेडल अनलेस सॉरी इसमें आएगा सो अनलेस यू विन द मैच रेस यू विल नॉट गेट मेडल. जब तक तुम मैच नहीं जीतोगे तुम मेडल नहीं पा सकोगे. ओके अनलेस का यू कैपिटल आएगा. नेक्स्ट है वी कैन वॉच टेलीविजन और वी कैन गो टू पार्क. ओके बिफोर या फिर और दोनों में से कुछ भी लिख सकती हूँ. नेक्स्ट है आई वेंट होम आफ्टर आई हैड माई लंच. ओके तो मैं अपने लंच लेने के बाद कहाँ जाऊँगा घर पे जाऊँगा. नेक्स्ट है ऑल्दो मम्मी वॉज टायर्ड शी हेल्प मी प्रिपेयर फॉर अ कॉम्पिटिशन. ओके तो मम्मी टायर्ड होने के बावजूद वो मुझे कॉम्पिटिशन में क्या कर रही थी प्रिपेयर करने में मदद कर रही थी. नेक्स्ट है यू विल फॉल डाउन इफ यू आर नॉट केयरफुल. तो अगर आप केयरफुल नहीं रहोगे तो आप गिर जाओगे. देयर ऑर्केस्ट्रा प्लेड द म्यूजियम म्यूजिक डैश द गर्ल्स डांस्ड व्हेन द गर्ल्स डांस्ड. ओके नेक्स्ट है एज द प्रिंसिपल अराइव ऑल द चिल्ड्रन स्टूड अप. ओके जैसे ही प्रिंसिपल पहुंचे सारे स्टूडेंट खड़े हो गए. नेक्स्ट है शी फेल्ड बिकॉज मतलब कि प्रिंसिपल पहुंचे इसलिए सारे स्टूडेंट खड़े हो गए. नेक्स्ट है शी फेल्ड बिकॉज शी डिड नॉट वर्क हार्ड. तो वो फेल्ड हो गई क्योंकि वो हार्ड वर्क नहीं कर रही थी. अमन इज पोलाइट बाय नेचर सो ही इज लव्ड बाय ऑल. ओके सो यानी कि इसलिए. ओके तो अमन मतलब कि नेचर से अच्छा था इसलिए उसे सब चाहते थे. नेक्स्ट है एज इट वॉज अ रेनिंग I could not reach on time. Okay, तो जैस क्योंकि बारिश हो रही है तो मैं घर पे on time नहीं पहुँच पाऊँगा. Next है start running when the coach blow the whistle. तो जब coach whistle बजाएगी तो आपको क्या करना है दौड़ना start करना है. Next है don't start के बाद ing आता है पता है ना आपको off start for ये सारे word के बाद ing आता है जो भी main verb होता है उसको. ओके डोंट एंटर द म्यूजियम डैश द इंचार्ज कम्स. ओके अनलेस द इंचार्ज कम्स मतलब कि म्यूजियम में मत जाओ जब तक कि वो जो इंचार्ज है नहीं आ जाता. ओके नेक्स्ट है जूही रॉट लेटर बट डिडंट पोस्ट देम. ओके तो जूही ने लेटर लिखे पर उसे पोस्ट नहीं किए. एज इट वॉज स्नोइंग आई डिड नॉट गो आउट ऑफ माई हाउस. ओके तो क्योंकि स्नोइंग हो रही है मतलब कि बर्फ गिर रही है तो मैं बाहर नहीं जाऊँगा घर से. नेक्स्ट है शी कैन स्पीक फ्रेंच बट कैन नॉट राइट. ओके तो वो फ्रेंच बोल सकती है पर लिख नहीं सकती. ब्रिंग योर नोट्स सो दैट आई कैन कंसल्ट देम एज वेल. ओके तो तुम्हारी नोट लेके आओ तो मुझे पता चले कि मैं उसे कंसल्ट कर पाऊँ. ओके नेक्स्ट है आई लव म्यूजिक बट आई डिड नॉट लाइक द कॉन्सर्ट. और रेशमा स्विच्ड ऑन द लाइट बिकॉज इट वॉज अ गेटिंग डार्क. एंड डैश रीटा ओपन वेन रीटा ओपन द डोर शी फाउंड अ गिफ्ट लाइंग ऑन द फ्लोर. ओके तो यहाँ पे आपका जो 19 लेसन है वो खत्म होता है. नेक्स्ट वीडियो में हम आपका 20 लेसन एडवर्ब देखेंगे. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स. बाय बाय. हैव अ नाइस डे.